हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के बीच में सेकंड ODI मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा प्रोविंडेज स्टेडियम गुआना के ग्राउंड में। इस ग्राउंड की जो पिच रहती है वो बैट्समैन एंड बॉलर्स दोनों को बराबर सपोर्ट करती है। इस ग्राउंड का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है वो रहता है 228 का और सेकेंड इनिंग का रहता है 196 का। इस ग्राउंड में जो हाइएस्ट टोटल अब तक बन चुका है 309 रन का और लोवेस्ट टोटल इस ग्राउंड में बन चुका है 98 रन का। तो आपको इस मैच में 260 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है। हम आगे बात करने वाले लास्ट मैच के रिजल्ट की। तो बांग्लादेश की टीम ने अपना जो फर्स्ट ODI मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बहुत ही अच्छे तरीके से 48 रन से विन कर लिया था। हम आगे बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की और साथ ही में लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। इवन लेविस जो कुछ खास नहीं कर पाए, 17 रन बना के आउट हो गए थे। क्रिस गेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की लेकिन 40 रनों पर रन आउट हो गए थे। साई होप जो टीम के विकेट कीपर है कुछ खास नहीं कर पाए, 6 रन बना पाए सिर्फ। सिमोन हेटमैन ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, 52 रन बनाए थे। जसन मोहम्मद 10 रन बना के आउट हो गए थे। बॉलिंग की थी, इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। रोमन पोवेल एक भी रन नहीं बना पाए। आंद्रेसन ने बनाए थे 13 रन, एक विकेट भी लिया था। जसन होल्डर जो टीम के कैप्टन है कुछ खास नहीं कर पाए, 17 ही रन बना पाए, इनको भी एक विकेट मिला था। देवेंद्र पीयूष ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट मैच में, 29 रन बनाए बैटिंग के साथ और 2 विकेट भी लिए थे। एस लेनर्स का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, 7 रन बना पे और इनको कोई विकेट नहीं मिला। एल्जर जोसेफ ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 29 रन बनाए थे, इनको भी कोई विकेट नहीं मिला। तो ये प्लेइंग 11 थी वेस्ट इंडीज की। लास्ट में आप देख सकते हो सारे प्लेयर जो है ठीक ठाक परफॉर्म किए लेकिन वेस्ट इंडीज़ अपना लास्ट में जो है 48 रन से हार गया। तो अपने प्लेइंग 11 में 1-2 चेंजेस कर सकता है। हम आगे बात करने वाले जो खिलाड़ी बेंच बैठे, किरण पोवेल और केमो पोल, ये दो खिलाड़ी बेंच बैठे। हम आगे बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ अपने प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस कर सकता है। जो फर्स्ट चेंज यहाँ पे वेस्ट इंडीज अपने प्लेइंग 11 में कर सकता है, यहाँ पे एस लेनर्स का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा पिछले मैच में, इनकी जगह केमो पोल को टीम में मौका दिया जा सकता है, तो ये एक चेंज हो सकता है। और सेकंड चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे जैसन मोहम्मद का भी परफॉर्म इतना अच्छा नहीं है लेकिन जैसन मोहम्मद बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, मुझे नहीं लगता जैसन मोहम्मद को इस मैच में ड्रॉप किया जाएगा। लेकिन जैसन मोहम्मद भी आपके लिए इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकते हैं। यहाँ पे किरण पोवेल को मौका दिया जा सकता है जैसन मोहम्मद की जगह, तो ये दो ही प्लेयर आपके लिए वेस्ट इंडीज की टीम में डाउटफुल रहेंगे। बाकी मुझे लगता है सारे प्लेयर जो है आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले हैं अगर लास्ट टाइम में कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है तो। बाकी अगर आप स्मॉल लीग या हेड टू हेड के लिए खेलते हो और आप अपनी टीम में सेफ प्लेयर को पिक करना चाहते हो तो आप उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना जिस प्लेयर ने लास्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। हम आगे बात करने वाले हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की और साथ ही में लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तमीम इकबाल ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, 130 रन बनाए थे। अनामुल हक को टीम में मौका दिया गया था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, 0 पे आउट हो गए थे। शाकिब उल हसन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, 97 रन बनाए थे। बॉलिंग कराई गई थी इनसे लेकिन इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। शबीर रहमान ने बनाए थे 3 रन। मुस्तफिजुर रहीम जो टीम के विकेट कीपर है 30 रन बनाए थे। महमूदुल्ला ने बनाए थे 4। महमूदुल्ला को बॉलिंग नहीं कराई गई थी। मोसद्दिक हुसैन की बैटिंग नहीं आ पाई, इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। मेहंदी हसन की बैटिंग नहीं आ पाई, मेहंदी हसन को एक विकेट मिला था। रूबेल हुसैन को मिला था एक विकेट। मशरफी मुर्तजा जो टीम के कैप्टन है बहुत ही अच्छी इन्होंने बॉलिंग की थी, 4 विकेट लिए थे और मुस्तफिजुर रहमान को मिले थे 2 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 थी बांग्लादेश की लास्ट मिनट में, बहुत ही अच्छे तरीके से 48 रन से बांग्लादेश ने अपना पहला ODI मैच जो है विन किया। तो मुझे नहीं लगता अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस करने वाला है। बाकी जो खिलाड़ी बेंच में बैठे हैं, अबू हैदर रोनी, नाजमुल इस्लाम, हुसैन सेंटू, अबू जैद और लिटन दास, ये कुछ खिलाड़ी बेंच में बैठे। हम आगे बात करने वाले चेंजेस की। तो सिर्फ बांग्लादेश अपने प्लेइंग 11 में एक ही चेंज कर सकता है, वो भी बहुत ही कम चांस में। अनामुल हक की जगह यहाँ पे लिटन दास को मौका दिया जा सकता है, तो ये बांग्लादेश सिर्फ एक ही चेंज कर सकता है। बाकी मुझे लगता है आपके लिए सारे प्लेयर जो है 95% सेफ रहने वाले इस मैच के लिए अगर लास्ट टाइम में कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है तो। बाकी अगर आप स्मॉल लीग या हेड टू हेड के लिए खेलते हो तो आप उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना जिस प्लेयर ने लास्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। और अभी इंजरी के बारे में दोनों ही टीमों के में से कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो मुझे लगता है दोनों ही टीमों के आपके प्लेयर जो है एकदम सेफ रहने वाले हैं। और कोई भी न्यूज़ आएगी प्लेयर्स के बारे में या प्लेयर्स के इंजरी के बारे में तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। हम आगे बात करने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। तो क्रिस गेल, इवन लेविस, साई होप, आंद्रे रसल, तमीम इकबाल, सिमोन हेटमायर, मुस्तफिकुर रहीम और शाकिबुल हसन, ये 8 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और कुछ अलग करना चाहते हो तो जसन होल्डर, जसन मोहम्मद, शबीर रहमान, मशरफी मुर्तजा, मुस्तफिजुर रहमान, देवेंद्र बिशु और रोमन पोवेल, ये 7 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए।
अगर आप अपने टीम के साथ जाना चाहते हो तो आप इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को कैप्टन अपनी टीम में बना सकते हो, और खुद से एक आप एक बेटर टीम बना के ड्रीम इलेवन और अदर से भी बहुत ही अच्छा आप अमाउंट विन कर सकते हो। बाकी ये सारे प्लेयर जो है आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले 95%, और आप इनमें से किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, आपका कोई भी प्लेयर जो है मिस नहीं होगा अगर लास्ट टाइम में कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है तो। और ये सारे प्लेयर जो आपके लिए इस मैच के लिए की प्लेयर्स भी हो सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर में हर मैच के ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि भाई हमारे काम की न्यूज़ थी इस वीडियो में, तो भाई वीडियो को भी लाइक कर देना। हम आगे बात करने वाले सेलेक्ट टू विन ऐप के बारे में। अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आप जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक और मेरे रेफर कोड भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरे रेफर कोड के साथ साइनअप करोगे तो आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। यह आपको कैश बोनस तभी मिलेगा जब आप अपना फ़ोन नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी वेरीफाई कराओगे, तभी आपको 50 रुपये का कैश बोनस मिलेगा। और इस 50 रुपये के कैश बोनस के साथ आप कोई भी लीग जो है ज्वाइन कर सकते हो, 100% आप कैश बोनस यूज़ कर सकते हो। हम आगे बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के सेलेक्ट टू विन ऐप के टीम के बारे में। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन दिए गए, दोनों ही आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, मुस्तफिकुर रहीम और साई होप। साई होप भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन और मुस्तफिकुर रहीम भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, इसलिए मैंने अपनी टीम में मुस्तफिकुर रहीम को पिक किया है। वहीं बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने महमूदुल्ला, तमीम इकबाल, सिमोन हिटमर और क्रिस गेल को अपनी टीम में पिक किया। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने जैसन होल्डर को पिक किया, शाकिबुल हसन और आंद्रे रसल को अपनी टीम में पिक किया। वहीं बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने तीन बॉलर को पिक किया, मुस्तफिकुर रहमान, मशरफी मुर्तजा और रुबेल हुसैन को। हम बात करते हैं यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चूज की, तो मैंने अपने इस टीम में कैप्टन बनाया मुस्तफिकुर रहीम को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया जैसन होल्डर को। तो हम बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरा सेलेक्ट टू विन ऐप का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला, इसी टीम के साथ मैं इस ऐप में खेलने वाला हूँ। अगर आप इस ऐप में एक से ज़्यादा टीम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, आप अपने हिसाब से प्लेयर को पिक कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने हिसाब से अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप और 100% लीगल ऐप है। इस ऐप में अभी कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, तो आप इस ऐप में जो है अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। और इस ऐप में आप देख सकते हो फ्री लीग भी हर मैच में ओपन होती है, तो आप फ्री में भी लीग को जो है इंटर करके आप अच्छा अमाउंट फ्री में भी विन कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऐप और 100% लीगल ऐप है। इस ऐप में मेरे मान तो आप कुछ पैसे डिपॉजिट करो, मुझे उम्मीद आप थोड़े पैसे इसमें डिपॉजिट करोगे और अच्छा अमाउंट आप विन करके विड्रॉ करोगे। अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप की लिंक मिल जाएगी, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। हम आगे बात करने वाले, आप यहाँ पर देख सकते हो सेलेक्ट टू विन में किसने कितना अमाउंट विन किया, तो सभी अच्छा अमाउंट विन कर रहे हैं। अगर आपको भी अच्छा अमाउंट विन करना है तो आप भी इस ऐप में खेलिए, और आप सभी की तरह आप भी अच्छा अमाउंट विन कीजिए। हम आगे बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है। और इससे पहले जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग का आज मैच खेला जा रहा है, इस मैच का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। हम बात करने वाले वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। तो यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए हैं, मुस्तफिकुर रहीम, साई हो और लिटन दास। तो लिटन दास को लास्ट मैच में जो है मौका नहीं दिया गया था, लेकिन इस मैच में लिटन दास को मौका दिया जा सकता है। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और रिस्क लेने की इच्छा हो तो आप लिटन दास के साथ रिस्क ले सकते हो। आप देखिए लिटन दास को कितने परसेंट लोगों ने पिक किया, सिर्फ 1% ही लोगों ने अब तक लिटन दास को पिक किया। तो अगर लिटन दास खेलते और ओपनिंग करने आएंगे और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप खुद जानते हो आपको अच्छा अमाउंट या आपको वन साइड लीग ग्रैंड लीग भी विन करा सकते हैं, अगर आपका टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ तो। बाकी अगर सेफ प्लेयर की बात करें तो आपके पास मुस्तफिकुर रहीम और साई होप, दोनों ये सेफ है। मैंने टीम में साई होप को पिक किया ताकि क्रेडिट भी मेंटेन में कर सकूं। हम वही बात करते हैं बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, तमीम इकबाल को, इवन लेवी, सबीर रहमान और मैंने पिक किया साइमन हिटमर को। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी। क्रिस गेल का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, किरण पोवेल का मैंने आपको बता दिया। अगर आप ग्रैंड लीग में इनके साथ रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अनामुलक पिछले मैच में 0 रुपये आउट हो गए थे, इनके जगह लिटन दास को मौका दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। आप अनामुलक को भी अपने टीम में पिक कर सकते हो, मुझे लगता है इस मैच में अनामुलक आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पे नाजमुल हुसैन शेंटो को आप पिक मत करना, मुझे लगता है इनको मौका नहीं दिया जाएगा। बाकी जैसन होल्डर भी बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, लेकिन सिर्फ आपके लिए 1% जो है डाउटफुल हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने तीन ऑलराउंडर को पिक किया है, आंद्रे रसल, शाकिबुल हसन और जैसन होल्डर को। महमूदुल्ला,
मोसादेक हुसैन और रोमे पोल, ये तीनों ही आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। आप इन तीनों में से भी किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। वहीं बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने मसरफ मुर्तजा, देवेंद्र बिशु और अलजारी जोशेब को पिक किया है। ऑप्शन की बात करूँ तो आपके पास रुबेल हुसैन का एकदम सेफ ऑप्शन है। मोहम्मद नाजम इस्लाम को पिक मत करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं। मुस्तफ़िज़ुर रहमान, मेहंदी हसन का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। यहाँ पे आपके लिए एस लेनर्स जो है इस मैच के लिए डाउटफुल हो सकते हैं। एस लेनर्स की जगह केमो पोल को टीम में मौका दिया जा सकता है। बाकी एबू हदर रोनी और अबू जैद को अपनी टीम में पिक मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। वहीं बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने इस टीम में कैप्टन रखा शाकिबुल हसन को, लास्ट मिनट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और वाइस कैप्टन मैंने रखा है ऑलराउंडर आंद्रे रसल को। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल प्रीव्यू की, तो यही मेरे ड्रीम इलेवन की हर लीग का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है। इसी टीम के साथ मैं हर लीग खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी अगर आप चाहो तो इस टीम में आप अपनी तरफ से एक दो चेंज कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने तरफ से इस टीम में चेंज करके खुद से भी एक बेटर टीम बना के ड्रीम इलेवन और सेलेक्ट टू विन की ऐप में आप अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन हो कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस को लेकर या प्लेइंग इलेवन को लेकर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैच से पहले भी आप एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।